नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों एक शोध लेकर आपके सामने फिर से हाजिर है हम। तो दोस्तों हाल फिलहाल का एक शोध किसी चमत्कार से कम नहीं। दरअसल इस शोध में अपनी खोई उम्र की वापसी हुई है, यानी कि अगर आप बड़े हो चले हो और एक बार फिर जवान दिखना चाहते हो तो ये रिसर्च इस फील्ड में सफल हुआ है और इसे ही उम्र की वापसी वाला शोध कहा जा रहा है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों की टीम ने शोध किया है चूहों पर, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली है और इसी के आधार पर माना जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब इंसानों के लिए भी ऐसा हो सके। अगर आप 60 के हो चले हो और अच्छी स्किन का सपना रखते हो, यानी 30 साल के लगना चाहते हो, तो आने वाले सालों में ये असंभव नहीं होगा। ये शोध सेल में प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम लॉस ऑफ एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन एज कॉज ऑफ मैमेलियन एजिंग है। शोधकर्ता सिंक्लेयर ऐसा मानते हैं कि उम्र का बढ़ना दरअसल कोशिकाओं के अपने ही डीएनए को ठीक से रीड ना कर पाने का ही परिणाम है। दरअसल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के इस शोध में वैज्ञानिकों को बूढ़े और कमजोर नजर वाले चूहों को फिर से युवा बनाने में कामयाबी मिली है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस को उल्टा भी किया जा सकता है, मतलब कि किसी युवा को समय से पहले बूढ़ा भी बनाना संभव है। शोधकर्ता डेविड सिंक्लेयर का कहना है कि उम्र रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसके साथ छेड़छाड़ करना संभव है। अभी तक ऐसा माना जाता था कि कोशिकाओं के सुस्त पड़ने पर उम्र में बदलाव दिखने लगता है, लेकिन यह शोध इस थ्योरी को नकारता दिखता है। आपको बता दें कि ये रिसर्च चूहों पर किया गया और तकरीबन एक साल तक ये रिसर्च चला। इस दौरान वैज्ञानिक बताते हैं कि बूढ़े और कमजोर नजर वाले चूहों में ह्यूमन एडल्ट स्किन की सेल्स डाली गई, जिससे कुछ ही दिनों में वो चूहे अच्छी तरह से देखने लायक हो गए। बाद में फिर इसी तरीके से ब्रेन, मसल और किडनी सेल्स का भी युवा बनाया गया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बोस्टन यूनिवर्सिटी के इस ज्वाइंट शोध में साइंटिस्टों ने पाया कि उम्र घटने लगी और स्किन पहले जैसी जवान और चमकदार भी दिखने लगी। इतना ही नहीं बल्कि जवानी जैसी फूर्ती भी देखने मिली। इस शोध को वैज्ञानिक ने पत्रिका सेल में प्रकाशित किया है। हालांकि यह रिसर्च चूहों के बहुत छोटे से ग्रुप पर हुआ, इसलिए वैज्ञानिक उत्साहित तो है, लेकिन ये इंसानों के लिए कितना सही होगा इसको लेकर उनके पास फिलहाल कोई सटीक जवाब नहीं है। फिलहाल वैज्ञानिक लगातार इस शोध पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो भविष्य में ही पता चलेगा कि क्या हम इंसानों पर ये रिसर्च कारगर साबित होगी या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल एलवर्ड से, हमारे चैनल शोध से। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। इजाजत दें, नमस्कार।